two circles of radii A and B, where A is less than B, touch externally. ठीक है, तो एक दूसरे को ये externally touch कर रहा है. तो length of direct common tangent, length of direct common tangent from the point of intersection of the direct common tangent to the smaller circle. ठीक है, तो smaller circle क्या है? Smaller circle का radius क्या है? A unit. ठीक है, तो let's say मैं यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं इसके लिए diagram draw करता हूँ. ठीक है, तो diagram में circle के लिए draw करूँ और geometrical representation करता हूँ. ठीक है, ये लेट्स से अपने पास क्या है, ये मैंने यहाँ पे इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करी. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम होगा. ठीक है, तो अब अगर अपन देखें तो अपने पास क्या क्या बना है. लेट्स से मैं इस पॉइंट को क्या बोल देता हूँ, ए. इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ. ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ, इस पॉइंट को पी बोलता हूँ. इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, क्यू बोलता हूँ. और इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ, यहाँ पे एम बोलता हूँ. ठीक है, अगर मैं रिक्वायर्ड लेंथ देखूँ तो रिक्वायर्ड लेंथ अपने को क्या निकालना है, क्यू एम की लेंथ निकालना. ठीक है, क्यू एम की लेंथ निकालना. अपने को पता है कि ये जो होता है ये यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर. ठीक है, टेंजेंट जो होता है वो रेडियस वेक्टर पे यहाँ पे क्या होता है, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है. और इसके लिए रेडियस क्या है यहाँ पे, इसके लिए रेडियस क्या है, बी. और इसके लिए रेडियस क्या है यहाँ पे, ए यूनिट. ठीक है, तो मतलब ए पी की लेंथ अगर अपन देखें तो वो क्या है, बी प्लस ए. ए पी की लेंथ क्या है यहाँ पे, बी प्लस ए. अब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, लेट्स से. ठीक है, इसको अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, इसके लिए यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ. ठीक है, तो मैं अभी अगर अपन देखें तो इसमें ट्रायंगल जो है, अगर मैं अपन ट्रायंगल देखें तो ट्रायंगल ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर है किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम. कैसे, इक्वल एंगल, एंगल एंगल सिमिलरिटी अपने को ऑब्वियसली दिख रहा है. ठीक है, यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ये जो है ये किस एंगल 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 सिमिलरिटी से क्या है, ये सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल तो यहाँ पे कॉमन होगा दोनों के लिए. ठीक है, ये एंगल दोनों के लिए कॉमन होगा. ये यहाँ पे क्या है, ये दोनों यहाँ पे इन ट्रायंगल के लिए क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है. ठीक है, ये क्या है एंगल 90 डिग्री, तो थर्ड एंगल भी यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल भी इक्वल होगा. तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया किस कॉन्सेप्ट से, एंगल 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 सिमिलरिटी से. ठीक है, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं इसमें अगर अपन देखें तो अपन लिख सकते हैं बी एम, बी एम ओवर, ठीक है, बी एम ओवर क्यू एम. ठीक है, बी एम ओवर क्यू एम इजकल्स टू, बी एम ओवर क्यू एम की वैल्यू को अपन लिख सकते हैं ए बी ओवर, ए बी ओवर पी क्यू. और ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी रेडियस है. ठीक है, ए बी जो है वो लार्जर सर्कल का रेडियस है, तो इसको बी लिख सकते हैं. और ए बी जो है वो लार्जर सर्कल का रेडियस है और पी क्यू जो है वो स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, तो इसको ए लिख सकते हैं. इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, बी एम को अपन क्या लिख सकते हैं, बी एम को लिख सकते हैं अपन बी क्यू प्लस क्यू एम. ठीक है, बी एम को अपन क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस क्यू एम डिवाइडेड बाई क्यू एम इजकल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा ये बी बाई ए. ठीक है, तो यहाँ से अब अगर मैं इसकी वैल्यू, इसको अगर अपन इस रिलेशन को भी मैं आगे यूज करूँगा. ठीक है, अब मैं आगे यहाँ से क्या करता हूँ, लेट से यहाँ से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ. ठीक है, इससे मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ. अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये जो सिचुएशन होगी ये क्या होगी, लेट से अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा. ये रेडियस ए था, ये टोटल रेडियस क्या था, बी था. ये लेंथ ओ ए हो जाएगा और इस लेंथ को अगर मैं लेट से यहाँ पे क्या बोल दूँ, एक्स. तो ए एक्स की लेंथ क्या होगी यहाँ पे, अगर अपन बोले तो ए एक्स की लेंथ क्या होगी, ये यहाँ पे इस पर 90 डिग्री हो जाएगा. ए एक्स की लेंथ हो जाएगी अपने पास बी माइनस ए. ए एक्स की लेंथ को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टोटल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो इसको लिखूंगा ए बी माइनस, सॉरी ए एक्स की लेंथ को अपन मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसकी लेंथ को लिखूंगा मैं ए बी माइनस एक्स बी. तो ए बी की लेंथ क्या है यहाँ पे, रेडियस बी की इक्वल, और एक्स बी की लेंथ जो है वो रेडियस ए की इक्वल है. तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ. अब अगर अपन यहाँ से देखें तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए, इन ट्रायंगल ए एक्स पी, तो ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ए एक्स पी अगर अपन देखें तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, ए एक्स पी. यहाँ से अगर मैं पी एक्स की लेंथ देखूँ, ठीक है, तो पी एक्स की लेंथ अगर अपन देखें तो पी एक्स की लेंथ क्या हो जाएगी, पी एक्स की लेंथ हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अपन अप्लाई कर रहे हैं. यह जगह ए पी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर. और ये पी एक्स की लेंथ किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी अपने पास बी क्यू के इक्वल. ये जो पी एक्स की लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, वो बी क्यू के इक्वल. तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ, ये क्या जगह, ए पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए पी की वैल्यू है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए एक्स की लेंथ क्या है यहाँ पे, ए एक्स की लेंथ है यहाँ पे बी माइनस ए होल स्क्वायर. तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू ए बी प्लस टू ए बी. तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ फोर ए बी विच इज इक्वल्स टू,
ये वैल्यू आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो ये अपने पास किसकी लेंथ आ गई, बी क्यू की लेंथ। अब मैं रिलेशन वन में, लेट से इसको अगर मैं रिलेशन वन बोलूँ, तो रिलेशन वन में बी क्यू की लेंथ मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो रिलेशन वन में अगर मैं बी क्यू की लेंथ पुट करूँ, तो बी क्यू की लेंथ क्या है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस यहाँ पे क्या है क्यू एम डिवाइडेड बाय क्यू एम इजकल्स टू क्या है, इजकल्स टू यहाँ पे क्या है अपने पास रिलेशन बी बाय ए। अपने पास रिलेशन क्या है यहाँ पे, बी बाय ए, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन से अपन ये सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखें, तो यह जगह 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय क्यू एम प्लस यहाँ पे वन वैल्यू आ जाएगा इजकल्स टू ये आ जाएगा बी बाय ए। अब अपन अपने को क्या निकालना है, क्यू एम निकालना है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई क्यू एम इजकल्स टू ये आ जाएगा बी बाय ए माइनस वन। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए। अब अपन यहाँ से डायरेक्ट किसकी वैल्यू, क्यू एम की वैल्यू अपने को निकालनी थी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से स्मॉलर सर्कल के लिए डिस्टेंस। तो क्यू एम की लेंथ क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी 2 ए स्क्वायर रूट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 और ए की पावर यहाँ पे आ जाएगा 3 बाई 2 और बी की पावर आ जाएगा 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो ये यहाँ पे क्यू एम की लेंथ होगी, जो कि रिक्वायर्ड लेंथ अपने को फाइंड आउट करने बोला था, 2 टाइम्स ऑफ ए की पावर 3 बाई 2 बी की पावर 1 बाई 2 और बी माइनस ए, ठीक है।